हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम जानेंगे बहुत सी जानकारी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं डिवीज़न में जो मेरी टीम है उसने परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से मुझे कुछ जेम्स मिले हैं, उसको मैं ले लेता हूँ। तो 500 सब्सक्राइबर जो है वो हमारे पूरे होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द 18 सब्सक्राइबर और गेन हो जाए तो 500 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। जो भी 500वां सब्सक्राइबर होगा वो अपना नाम कमेंट में कर देगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगी तो उसका नाम मैं ले लूँगा कि ये हमारे 500वें सब्सक्राइबर है। तो आ जाते हैं अपने वीडियो पर। तो हमारे पास एक नया इवेंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें ईस्टर एग इवेंट है, जिसमें हम जीत सकते हैं बहुत सारे रिवॉर्ड। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। 850 पॉइंट्स पर अगर हमने मान लेते हैं 850 ईस्टर एग पा गए तो हमें 200 जेम्स मिल जाएंगे। 700 पे 50 मॉड्यूल डिवाइस के मिलेंगे, 550 पे 50 मॉड्यूल मिलेंगे विंगमैन के, और 400 पे 50 मॉड्यूल्स मिलेंगे एयरक्राफ्ट के। ठीक है, इसमें हमें बैटरी पावर भी मिल जाएगी, जिससे हम अपने इंजन को अपग्रेड कर सकते हैं, उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। 1250 में हमें 20 ब्रॉन्ज के बैटरी पावर मिलेगी, 1500 पे हमें 10 सिल्वर बैटरी पावर मिलेगी, और 1750 में हमें 4 गोल्ड की बैटरी पावर मिलेगी। 2000 ईस्टर एग्स में हमें 400 जेम्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें 2750 में 6 चिप्स में मिलेंगे ब्रॉन्ज चिप्स, जिसकी मदद से हम टायर 1 के एयरक्राफ्ट के डिवाइस के विंगमैन के कस्टम गियर को पा सकते हैं। 3250 में 4 हमें चिप्स मिलेगी सिल्वर, जिससे हम टायर 2 के एयरक्राफ्ट के लिए कस्टम गियर को पा सकते हैं। 3750 में 2 चिप्स मिलेगी गोल्ड की, जिससे हम अपने टायर 3 के एयरक्राफ्ट के लिए कस्टम गियर को पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6750 में हमें 1000 जेम्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इवेंट आया है ये बहुत ही अच्छा है, जिससे हम बहुत सारे रिवार्ड्स को पा सकते हैं। इसमें जो लास्ट है उसमें है 15,000 स्टेट्स में 2000 जेम्स मिल जाएंगे। तो टोटल जेम्स हो गए 1500, 2000, 3500, 1000, 4500, 600, 5100 और 400, 5500 और 200, 5700। तो हमें 5700 जेम्स मिल जाएंगे फ्री में। हमें क्या करना है, हमें केवल इस इवेंट्स को, जो ईस्टर एग का इवेंट है, इसे खेलना है और हम बहुत सारे यहाँ पर बैटरी पावर और जेम्स पा सकते हैं। 5700 जेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके मदद से आप एयरक्राफ्ट को परचेज़ कर सकते हैं, विंगमैन को परचेज़ कर सकते हैं और डिवाइस को भी परचेज़ कर सकते हैं और अपने कस्टम गियर को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर खेलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं। दूसरा एक इवेंट और स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है ईस्टर हेल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें राउंड 1 में कुछ मिलेगा। ये है पेल मोनार्च एयरक्राफ्ट का मॉड्यूल, यहाँ पर मिलेगा एयरक्राफ्ट मॉड्यूल और अंबर एप्स। राउंड 3 में मिलेगा पेल मोनार्च का 60 और अंबर एप्स के 60। तो यहाँ पर हमें इन सब के मॉड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये है टोकन दैट गिव्स ए बोनस हेड स्टार्ट व्हेन यू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इवेंट टायर 3 ऑफ दिस इवेंट सीजन। ठीक है, टोकन भी मिलने वाला है हमें, तो इसको भी आप खेल सकते हैं, जिसपे आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे पेल मोनार्च और एम्बर एपिस के। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 75 जेम्स मिलेंगे साइबर पिकॉक के। एक्सेप्ट जब हम साइबर पिकॉक पहुँच जाएंगे तो हमें 75 जेम्स मिल जाएंगे। ठीक है, 3 बार हम इसे रोल कर सकते हैं, मेरे पास 3 चांसेस हैं, तो एक बार रोल करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो 6 पे ये जो हमारा एम्बर एपिस था, ये 6 राउंड चला तो मुझे क्या मिलेगा, 7 पीपल। प्ले करते हैं, 3 एम्बर रिक्वायर्ड, एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी ये कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि आज जो नेटवर्क है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है मेरा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कैसे यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, योर बॉस स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन क्लियर टाइम, योर रिमेनिंग हेल्थ एंड बॉस रिमेनिंग हेल्थ। ठीक है, तो जो बॉस का स्कोर होगा वो कैलकुलेट होगा क्लियर टाइम पर, रिमेनिंग हेल्थ पर और बॉस की रिमेनिंग हेल्थ पर। यू गेट बोनस स्कोर इफ़ यू कैन किल द बॉस, आपको बोनस स्कोर भी मिलेगा अगर आप बॉस को किल कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट टेक एनी हिट ड्यूरिंग द फाइट यू फाइनल स्कोर विल बी डबल्ड। अगर आपको कोई भी हिट नहीं लगती है, मतलब आपको
कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो आपका जो फाइनल स्कोर होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। उधर ये डाउनलोड हो चुका है, हमें इसी को हराना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसे हरा पाते हैं कि नहीं हरा पाते हैं। अगर हमें हिट नहीं लगी तो हमें, लेकिन हिट लग रही है तो हम डबल बोनस तो नहीं मिलेगा। देखते हैं कि इसे हरा पाते हैं कि नहीं हरा पाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मेरी पावर भी थोड़ी कम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे हिट जो है वो लग चुकी है। अगर उसका सारा फोकस हम करते हैं इसको बीट करने के लिए, तो इसको हम बीट कर पाते हैं कि नहीं बीट कर पाते हैं। इसी तरीके से इसको खेलना है बचते हुए कि हम इसको बीट कर सकें विदाउट लूजिंग आवर हेल्थ, ठीक है। इसमें इसकी गोलियां धीरे धीरे बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में, मेरा हेल्थ जो है जा रहा है धीरे धीरे। तो इतना आसान ये होने वाला नहीं है। इस बार इन्होंने कुछ अच्छा अपग्रेड किया है, और ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही जो पिकॉक है उसका अगर पिछला हिस्सा भी लग रहा है तो उससे भी जो एनर्जी है, जो पावर है, वो लॉस हो रही है हमारे एयरक्राफ्ट की। यहाँ पर गोलियों से बचना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं बच पाऊँगा, क्योंकि एक गोली की पावर ही मेरे पास बची हुई है। एक गोली लगी तो मेरा एयरक्राफ्ट जो है वो ख़त्म। बहुत मुश्किल है हम जीत पाना, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। अगर मेरे पास बूस्ट होता है या स्किल रिमाइंड होती तो मैं इसको बीट कर सकता था, पर ना स्किल है मेरे पास ना कुछ, मेरे पास नॉर्मल ही गोलियां हैं जिससे मुझे बीट करना है। देखते हैं कि बीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। करीब तो बहुत पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी पावर नहीं बची है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं बीट कर पाऊँगा। ओहो, बिल्कुल लास्ट में, चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मुझे 75 जेम्स मिल गए थे, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसे। तो इस तरीके से आप भी इसको खेल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रोल वन करता हूँ तो फिर मुझे फिर से खेलना पड़ेगा, और जहाँ पे जाके रुकेगा वही मुझे जो क्या कहते हैं गिफ्ट है वो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 चांसेस मिल रहे हैं, जिसको आप खेल कर आपको जो भी मिल रहा है आप उससे खेल सकते हैं, ठीक है। मेरी रैंक 5वीं हो गई है, अगर मैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक पर रहूँगा तो मुझे 100 जेम, 75 जेम, 50 जेम एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो आप भी उसे खेलिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूला करिए, उसको जरूर कर दिया करिए। तो इस समय हमारे 2 इवेंट्स चल रहे हैं, एक है ईस्टर एग इवेंट और दूसरा है ईस्टर हेल इवेंट। टायर 3 टूर्नामेंट भी स्टार्ट है, जिसके पास टायर 3 के एयरक्राफ्ट हैं वो इस टायर 3 टूर्नामेंट को खेल सकते हैं। होली फेस्टिवल इवेंट भी चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अभी भी पा सकते हैं। 4 डेज लेफ्ट है, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ,
तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और मुझे मिल गया है मॉड्यूल्स डिवाइस का। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक थैंक यू।